गुड़गांव सोना से आया और पिछले 3 साल से मैं इसमें ये बीमारी जो मेरी बनी थी जी। फर्स्ट में मैंने ये पास हॉस्पिटल में इसमें करवाया था ओपन सर्जरी। अच्छा। उन्होंने इसे पूरा ओपन सर्जरी किया था, लैटरिन फेल लगा थी साइड में मेरे। पहले नीचे उन्होंने काट के हाँ जी, और फिर ऊपर लैटरिन का रास्ता साइड पर बना दिया था। हाँ जी। ओके। तो वहाँ पहली बार मैं ऐसा कर दिया था कि उससे पहले भी कोई इलाज उससे पहले एक नॉर्मल एक छोटी हॉस्पिटल थी जो गांठ सी हुई थी ना उसने चीरा लगाया था। ठीक है। उसमें फिर ऊपर से बंद नहीं हुई। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब बोला मेरे साहब ये तो बंद नहीं हो रही, ठीक है आप किसी और में दिखा लो। फिर मैंने पास में आया, पास में इसकी सर्जरी होगी फिस्टुला है। ठीक है, दिखा दो। उन्होंने पूरा ओपन सर्जरी कर दिया मेरा। दो महीने बाद ये मेरा पूरा घाव भर गया था। मैं वापस डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मेरी थैली अंदर कर दी और बोला भी आप जाओ। जब पहली बार ऑपरेशन किया तब थैली भी बना दी और नीचे का ऑपरेशन कर दिया, तो उस टाइम कुछ बोला था कि क्यों थैली ऊपर बनानी पड़ रही है और नीचे? और बोला सुबह जैसे फ्रेश होने जाओ बताइए, इसलिए थैली लेगी। ठीक है। उसके बाद सर फिर 2 महीने बाद मैं गया, जब ये भर गया था तो जब लैटरिन आती थी यहाँ से तो कंफर्टेबल ही थी कि कोई दिक्कत होती थी? मैंने दिक्कत कोई नहीं आती थी। ठीक है। वो थोड़ा सा चिपका होता था, वो हट जाता था जब कभी डॉक्टर साहब दिखाने गया, उसने ना अंदर कर दिया, दोबारा फिर ऑपरेशन कर दिया मेरा। हल्दी वाली अंदर करके थोड़ा पेट और चिरा था, कोलोस्टोमी क्लोजर कर दिया। कोलोस्टोमी बोलते हैं जी, कोलोस्टोमी बैग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद फिर चालू हो गई बस वहाँ से। अच्छा, जैसे कोलोस्टोमी बंद करी हाँ जी, उसके 3 दिन बाद नीचे वापस आ गया, जैसे मैं शुगर फ्रेश के लिए गया ना जी, फिर बस चालू हुई। ठीक। फिर डॉक्टर साहब पास गया जी, बनी हुई मतलब दोबारा ऑपरेशन होगा लेकिन अभी तो नहीं होगा 5-6 महीने बाद। हाँ जी, 2-3 महीने बाद उठाऊ में 4 पैसे तो निकल आऊंगा मैं। फिर मैंने एक होम्योपैथिक, हमारे एक डॉक्टर साहब आते कंपनी में, होम्योपैथिक ले लो 6-7 महीना। फिर मैंने होम्योपैथिक खाई, उन्होंने फिर MRI करी तो बोला तो अभी कम नहीं हुआ, बढ़ा है। अच्छा, फिर किस लिए इलाज करो? 7 महीने हो गए, कमी नहीं हुआ, बढ़ी रहा, फिर मैं फिर रहने दो, फिर मैं मना कर दिया उनको। फिर मैं आ गया सर एक बंगाली डॉक्टर बताया किसी ने, बोला ये करते हैं इसका इलाज। तो बंगाली ने बोला हाँ मैं कर दूंगा। 7-8 महीने उसने भी अपना वो किया। क्या किया उन्होंने? वो अपने कोई दवाई लगाते हैं बस, इंजेक्शन बोलते ना उसमें लगाते हैं सर, उसमें फिर 7-8 महीने उसके चला, लेकिन उसमें भी बस बंद नहीं हुआ उससे भी। फिर एक देसी के पास गया जो आयुर्वेदिक बोलते हैं, उसने चलाया 7-8 महीने, बोला मैं बंद कर दूंगा, तो उससे भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया था? खाने की दवाई देते थे। ठीक है। और कुछ जैसे पत्ते वत्ते बोलते लगा देना उससे। हाँ, एक बार तो उससे एक बार बंद हो गया था विश्वास, 3-4 दिन बाद फिर चालू हो गई थी। 3 दिन बाद ही वापस खुल गया। 3-4 दिन के लिए तो नेचुरल हिस्ट्री होती है ना, फिस्टुला का मुंह तो अपने आप बंद होता है, अपने आप खोलता है, और आदमी सोचता है कि बंद हो गया और ठीक हो गया। ठीक होना क्या क्या, उल्टा बढ़ जाता है, जब जितनी बार मुंह बंद होगा उतनी बार अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, फिर वो और जगह फैल जाता है। वही वो चला था, उसके बाद उस पर भी काम नहीं आया। ठीक है। मैंने आपका देखा यूट्यूब पे, आपके पास आया तो आपने बोला 50-60% उम्मीद है, नहीं फिर मैंने बोला ठीक है आप कर लो, सही है सर। 50% ठीक हो गए, 90% बीमारी ऐसी है जिसके अंदर इलाज लंबा चलना है। ठीक है। और 50% क्योंकि हमने इतने खराब खराब करे हैं वो ठीक होके जाते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि ये ठीक होगा। बट हर चीज का 100% कोई भी कहना गलत है। अब आपको जिन्होंने 100% बोला था उन्होंने क्या किया? सही बात है, वो ठीक नहीं किया ना उन्होंने। कि किसी ने भी उसने कहा था कि मैं 8 महीने में कर दूंगा, मैंने किसी को 4 महीने में कर दूंगा, 100% ही बोला होगा। हाँ, 100 ही बोलते हैं उसमें। वो तो 100 ही बोलते हैं। तो हमने 50 बोल के 100 कर दिया। हाँ, आपने कर दिया, ये बात तो है। जी। तो फिर उसके दरमियान, ट्रीटमेंट के दरमियान क्या क्या हुआ आपका मन में? काफी बार कितनी बार अपसेट? एक बार हुआ कि कई बार? उसके बाद 2-3 महीने अपसेट से रहा मैं, मतलब पता नहीं रोग कटेगा नहीं कटेगा ऐसे ही दिमाग में आता रहा। 6-7 कितना खराब हो गया होगा। ठीक है। फिर
फिर उसके बाद कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं पेशाब का रास्ता भी पेट से बना देते हैं, लैट्रिन का तो बनाने पड़ता है अगर वो नीचे पेशाब की नाड़ी में घुस जाए फिर थोड़ा, तो पेशाब का रास्ता भी ऊपर पेट से बना देते हैं, ऐसे भी पेशेंट सर आगे जैसे मतलब किस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए भाई, ये रोग किस चीज़ से है? जो शुरू तो कब्ज से होता है ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, कभी परहेज करके, कभी देसी दवाई लेके, कभी ये सब सब लोग करते हैं, यहीं से गलती होती है, अंदर वो फटता जाता है, लगाने की मलम में लगाते रहते हैं, मलम क्या करती है उसको सुन कर लेती है, सुन करने के बाद वो अंदर तो फट रहा है, वो एरिया सुन हो गया एक तरह से, यहाँ मैंने इंजेक्शन लगाया इसको सुन कर दिया ऊपर से चाकू मार दिया, तो वो काम हम कर रहे हैं, तो आदमी सोचता है मैं ठीक हो रहा हूँ या कल दर्द का ठीक, आज तो दर्द ठीक नहीं, ठीक है दर्द नहीं है, दर्द ना होना तो ठीक नहीं है ना, अगर दर्द नहीं हो रही तो हमारी ये चमड़ी भगवान ने इसलिए सेंसिटिव बनाई है कि अगर कुछ चोट लगे तो यहाँ दर्द हो और हमें पता चल जाए, गर्म है गर्म को हाथ लगाए जलेगा तो हमें पता चल जाए कि जल रहा है और हम पीछे खींच रहे हैं, और वहाँ क्या किया हमने, यहाँ जल रहा है पर हमारा हाथ सुन कर दिया और हमने आग को हाथ लगा दिया, तो क्या होगा जलता जाएगा वो अंदर जलते जलते पूरा फट गया, पूरा फट गया तो जब पूरा फटा तब फिस्टुला बना, तब आपको पता चला अब किसी के हाथ पर बस की नहीं रही वो, और था इलाज और कॉम्प्लेक्स था है, तो जितनी मर्जी हम दवाई लगाते रहेंगे वो ठीक नहीं होगा, अगर हमें रास्ता ही ठीक करना पड़ेगा कुछ भी होना नहीं है, ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं खा रहे हो, जो एक नॉर्मल आदमी या एक एवरेज डाइट होती है हमारी वैसी है, ऐसा नहीं कि बहुत जैसे कई जैसे राजस्थान में बहुत तीखा उतना तीखा, महाराष्ट्र में जैसे तीखा है उतना तीखा नहीं, उससे थोड़ा सा कम खा सकते हो, और बाई चांस ऐसा खाया भी गया तो दही और लस्सी बढ़ा दो, ये चीजें ऐड कर जहर को मार देता है हाँ वो थोड़ा कम कर देता है उसका, पानी ज्यादा रखो बाई चांस कब्ज हो ही गई है तो कब्ज का तुरंत इलाज कर लो, ऐसा नहीं कि 10-10 दिन कब्ज होती रही है तो फिर तो फटेगा, आप कब्ज हो गई मत चिंता करिए, आपका सारा रास्ता ठीक कर दिया हमने, जीरो से बनाया, बहुत मुश्किल था सिचुएशन वाज बैड बट लकीली गॉड्स ग्रेस सारी चीजें अंदर से भी ठीक है, काफी बिगड़ गया था 3 साल हो गए थे, 3 साल काफी लंबा टाइम हो जाता है मैडम, बेसिकली ये है क्योंकि जब इतना कॉम्प्लेक्स केस था हमको इतना टाइम भी लगना था, काफ़ी बार आपने हिम्मत हरा दी थी तो हर बार फिर कैसे स्ट्रांग रहे आप, जो लोगों के लिए भी समझ आए कि उनको मदद मिले कि हाँ इलाज पॉसिबल है टाइम लगना है, आप भी कितनी बार आप कह रहे थे सर मैं तो ठीक होऊंगा ठीक होगा कि नहीं ठीक है, और फिर आपके साथ कितने लोग आए जो कितने ठीक होकर चले गए, कितने लोगों का शुरू हुआ था आपके साथ वो सारे ठीक होके चले गए, हाँ मिलते थे मेरे को, हाँ उन्होंने यही बोला था, बोला इलाज छोड़ना मत, कभी बोला सोचे नहीं होगा मैं वो ठीक बोला अच्छा इलाज है बोला ले रहा हूँ, आपके साथ वाले अभी भी कितने आए और कितने चले गए आपके साथ, आपका टाइम लगना ही था, मैंने आपको बताया था कि 8 महीने साल कितना कितना सा टाइम बोला था मैंने जब शुरू किया, 8 महीने कम से कम, पर आई थिंक उससे पहले ही हो गया, और लैट्रिन के रास्ते के अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सही है ठीक रहना है पूरी लाइफ अच्छे से चलेगी कोई दिक्कत नहीं ठीक है, पर माइंड कभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो टाइम भी आकर दिखा जाना है बस, तो बहुत बड़ी थी यही बड़ी थी अब तो बड़ी हो गई खत्म अब कुछ नहीं होना ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, निकल गई बीमारी उससे लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, खाना पीना अच्छा हो गया, बाकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है, अगर आगे ध्यान रखोगे तो ये शरीर 100 साल के लिए बनाया हुआ है उससे ज़्यादा के लिए, तो हम लोग अपनी ही गलतियों के कारण उसको कम करते रहते हैं उसकी एज, जो चीज़ गलत है उसको वर्क करना है, नॉर्मल सब कुछ खाना चाहिए, आपने ठीक किया ना, बाई चांस अगर किसी को आपसे बात करनी हो इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आपका नंबर बता सकते हैं जी 9812790632 फोन आप पिक कर पाते हैं कि अगर कोई टाइम थोड़ा बहुत कॉफी देखो जैसे आप सफर किए हो
आप ऐसे कई लोगों आपने भी किसी को फोन किया होगा, कुछ आपको भी करेंगे आपसे गाइडेंस मिलेगा, पॉसिबल होगा तो जवाब जरूर सही है करो तो किसी का भला हो जाए तो बढ़िया ही है ना। भटके बेचारा कहीं हमारे तरह वो ज्यादा चार पाँच साल से बड़ा के मान ले अपना तो कहीं की बीमारी ही डिफिकल्ट है, किसी को साल ही लगे, अगर वो साल तक मोटिवेटेड रहना तो बड़ा मुश्किल है। जितना गल गया है मुझे उसको रिपेयर करना है जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है, और आदमी ये सोचे कि मेरे को तो अभी ठीक हो जाए कल ही ठीक हो जाए, किसी दो आदमी की बीमारी सेम नहीं है। अब आप ही सोचो कि आपके साथ कितने आए जिनकी एक ही सिटिंग हुई, आए और फिर कभी आए ही नहीं, और कई ऐसे थे दो सिटिंग तीन सिटिंग बाद नहीं आने बंद हो गए। किसी फैक्ट में आपके पास आए तो हमारे जैसे तीन साल में आए तो लोग तो बढ़ी जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, थैंक यू सर।